देखो मुझे ना चाट बहुत पसंद है, मेरी जैसी बहुत क्रेजी लड़कियां हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चाटे बहुत पसंद है। ये वाले नहीं खाने वाली। अमृतसर में कभी भी मन कर गया तो सबसे पहला नाम चाट में आएगा ब्रिजवासी का, और मैं आपको दिखाती हूँ मेकिंग। मतलब देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। जब मैं देख रही थी मैंने कहा जल्दी करो वीडियो जल्दी से खाना है मुझे, बहुत हो गया है। आलू रहते हैं भैया जी इसके अंदर, और क्या क्या रहते हैं? आलू होता है, दाल होती है, हरा मटर होता है, पनीर होते हैं। हाँ, दिख रहा है वो तो दिख रहा है। अगर एस्टीमेट लगाएं एक मिनट में कितनी टिक्की बना लोगे? मैडम इसका कोई अंदाजा नहीं है, इसका कोई अंदाजा नहीं, कितनी अंदाजा नहीं लगाया कभी। कभी स्पीड टेस्ट नहीं करा आपने अपना? भाई खतरों के खिलाड़ी हैं भैया, मैजिशियन। और ये लग गई इनकी खट्टी वाली चटनी, मीठी वाली चटनी, तीखी वाली चटनी। टिक्की को देख रहे हो कैसे तोड़ के ना पहले ही ऐसे सेट कर दे, क्योंकि इन्हें पता है कितने लोग आने वाले हैं और फिर पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है उनके लिए, है ना भैया? हाँ जी। तो जी अपनी प्लेटिंग करवाते हैं और चाट बनवाते हैं। अंकल इसमें क्या क्या है? ये देखो जी, ये है इसके अंदर दही बड़ा है। हाँ जी। कलम है, पापड़ी है, आलू है। कलम बोले तो कलमी बड़ा? हाँ, कलमी बड़ा होता है ये। ओके। दाल का बनता है। और क्या क्या बोलते हैं इसको? कलम भी बोल देते हैं इसको, कोई साख बोल देता है इसको। अच्छा, प्रॉपर नाम तो इसका कलमी बड़ा ही है। चलो आपको इसमें जाने वाली ठंडी ठंडी दही और स्पून देखो, ऑथेंटिक, वही हमारा पुरानी दिल्ली वाला। और ये मसाला गया जी इनका। ये वाली चटनी कौन सी है? ये शक्कर की चटनी है जी। शक्कर की चटनी, ऊपर से हल्का सा दही का टेंट। अंकल इसमें हरी चटनी नहीं जाती? यहाँ पे लोग खट्टी चटनी चाट के ऊपर पसंद कम करते हैं। अच्छा। तो उनको दे देते हैं हम। ओके ओके ओके, ठीक है जी। मेरा ना वो भी लगा दो, वो बड़ी एक टिक्की लो जी। और आपको ना कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये कौन से तेल में तला जा रहा है? ये रिफाइंड, वो क्या कहते हैं इसको, वनस्पति घी होता है। अच्छा, ओके ओके, डालडा घी में इसको अच्छे से तला जा रहा है। और ये जी बीच में से काटा। और आप ब्रिजवासी, आप बनारस से हैं? हमारे दादा जी आ गए थे यहाँ पे। अच्छा, वैसे तो मथुरा साइड के हैं। अच्छा, मथुरा के ही हैं। आपने मथुरा की चीले खाए हैं वृंदावन के? हमें तो गए हुए वहाँ पे 20 साल हो गए। क्या बात कर रहे हो, आपने तो बड़ा मिस कर दिया फिर। वहाँ की कांजी वड़े और चीले, ओए होए, याद ही आ गई उनकी तो फिर से। और इन सब के अलावा आपको यहाँ पे भेलपूरी भी मिल जाएगी, तो वन प्लेस सब सारी चटपटी आइटम्स का जल्दी से टेबल पे मिलते हैं। और ना ये रहा मेन्यू, सारे आप प्राइस देख लो और ये सारे आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं तो जी चलिए अपना इन्जॉय करने। अच्छा, इनकी शॉप ना 1957 से है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कितने साल हो गए, क्योंकि मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है। अब मैं इससे करूँगी सबसे पहले ये बन टिक्की। ये हमने देखी तो थी होशियारपुर में भी, लेकिन हमने खाई नहीं। हमने कहा सबसे फेमस शॉप की खाएंगे अमृतसर की। और ये देखो मीठी चटनी भी लगा लेते हैं। ये ना शक्कर की बनती है, अंकल जी ने ऐसे बताया मुझे। क्रिस्पी क्रिस्पी बन। हमारे यहाँ ब्रेड लगाते हैं, आई थिंक हमें भी ब्रेड को स्किप करके ना बन लगा लेने चाहिए, पर उसका भी अपना अलग मज़ा है। 50 रुपीज प्राइस है। बढ़िया, इसके अंदर चने, आलू और मटर, बहुत सारे मसाले और चटनी तो भाई लाजवाब। खट्टी है इनकी हरी चटनी ना, खट्टी है काफ़ी। और ये आ गए पापड़ी चाट, इसमें आपको सब मिलने वाला है। आप चाहते हैं तो दही भल्ले भी लगवा सकते हैं अलग से, और कलमी वड़ा भी अलग से लगवा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा सब कुछ सेम ही दे दीजिए। ये देखो एक बाइट ली, थोड़ी सी लगाई जी पापड़ी, अरे ली ठंडी दहिया और भल्ले अल्टीमेट लेवल सॉफ्ट। मुझे ना थोड़ा ना चटपटा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपनी डाल लेती हूँ भाई हरी चटनी। हमें तो थोड़ा हरी चटनी के साथ ही बड़ा मज़ा आता है। अब देखते हैं, ये हुई चाट। अमृतसर वालों एक बार ना ऐसे हरी चटनी लगवा के भी ट्राई करना, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आई हूँ अमृतसर की भी और पूरे पंजाब की भी। अगर वो डलवानी है ना तो आपको इस वीडियो को लाइक करने पड़ेगा। मैं तब तक एंजॉय करती हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। और जहाँ तक बात है एड्रेस की, वो पड़ता है कूपर रोड और क्रिस्टल चौक पे।